नमस्कार, मैं शगुन शर्मा। किसी भी वक्त चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस ऐलान से पहले देश भर में CAA लागू हो चुका है। कोई मोदी सरकार के टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है तो कुछ चीफ मिनिस्टर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि वो अपने राज्य में CAA लागू नहीं होने देंगे। विपक्षी कुछ पार्टियां इसे एंटी मुस्लिम लॉ बता रही है, तो विदेशी मीडिया के एक हिस्से में भी CAA वायरल है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सबको जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम CAA लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? मैंने कहा 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। CAA सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। इस देश का एक इतिहास है। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश 3 हिस्सों में बट गया, वो बैकग्राउंड है। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया। हम कभी सहमत नहीं थे। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया। जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो और वहां जो अल्पसंख्यक है उस उन लोगों पर ढेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो माँ बहन बेटी के लिए वो शरण में आए भारत की, तो क्या उसको यहां नागरिकता का अधिकार नहीं है? और स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने आजादी के वक्त सैकड़ों भाषणों में कहा है कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है वहां रह जाइए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति छोड़कर रेफ्यूजी बनकर यहां आए थे, दिल्ली के बाजार में सब्जियों की दुकान लगाई थी। मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका का दिन मनाकर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है। इन लोगों के मन में संवेदना नहीं है, वो समझते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गौरव छीना जाए, अपमानित किया जाए, क्या करेंगे वो? इनकी वेदना हम भी नहीं सुनेंगे। 50 में आ गए, 60 में आ गए, 70 में आ गए, 80 में आ गए, आज भी नागरिकता नहीं है। बच्चों को अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता है, ढंग की नौकरी नहीं मिलती है, छुट भैया नौकरी करते हैं, अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्या गुनाह है उनका? विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए। मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि CAA नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा। वो भी समझ रहे हैं कि उनको अधिकार नहीं है।
हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद को दिया गया है। एक केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। तो नागरिकता के बारे में कानून और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, वो दोनों हमारे संविधान की 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसको शेड्यूल 7 में डाला गया है, जो केंद्र की इसकी तमाम शक्तियां केंद्र को दी गई। गृह मंत्री अमित शाह पूरे फॉर्म में थे। वो CAA को 75 साल की वेतना से जोड़कर देश के लिए जरूरी बता रहे थे। इसके बाद अमित शाह के टारगेट पर आए उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी। गृह मंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी और कहा कि CAA अब कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसी साहब पे आ जाती हूँ जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका, एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे, और अगर वो मुसलमान भारत तो के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना, कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा में बार बार CAA भी उठा रहे हैं और बाकी विषयों पर भी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कभी CAA लागू कर रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है जी, कांग्रेस में आपकी अच्छी खासी पहुंच है, इस विषय पर राहुल जी से एक बार चर्चा करके डिटेल पूछ लो जरा। वो चर्चा नहीं कर रहे ना, वो मीडिया को वहां पर कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारा मुंह बंद है। नहीं, मगर इस कमरे में बैठकर आपको इंटरव्यू करें CAA पर और समझाएं जो वो बोल रहे हैं, वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे के क्यों विरोध में है। जैसे CAA को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिये, CAA का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चूंकि मौसम चुनाव का है इसलिए परीक्षा सरकार की नियत और काम दोनों की होगी। अमित शाह CAA को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो अपने तर्कों से और संविधान के पन्नों से इस कानून को सही और जरूरी बता रहे हैं। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP News। नमस्कार।